नमस्कार आदाब ओम शांति दर्शकों एक बार फिर से आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं ज्ञान से भरे इस कार्यक्रम ज्ञानोदय संतोष दीदी के संग निंदक एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम दूर भागना चाहते हैं हमें लगता है कि ये हमारे दुख का कारण है क्योंकि ये हमें बार बार टोकता है रोकता है और जिस वजह से हम अंदर ही अंदर डिस्टर्ब होने लगते हैं हमारी जो शांति है वो गायब होने लगती है और निंदा वो चीज है जो संसार के लगभग हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं उसका सामना करना ही पड़ता है जो इसको एक्सेप्ट कर लेता है वो आगे बढ़ जाता है और जो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता वो दुखी हो जाता है उदास हो जाता है उसकी एनर्जी भी डाउन होना शुरू हो जाती है तो कैसे निंदा को और निंदक को उनके प्रति जो एटीट्यूड है हम कैसे चेंज कर सकते हैं कैसे क्रिटिसिज्म को एप्रिसिएशन में हम कन्वर्ट कर दें और कैसे निंदक हमारा टीचर बन सकता है एक अच्छा टीचर बन सकता है गाइड बन सकता है आज इसी विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं हमारे बीच में हर बार की तरह मौजूद हैं आदरणीय संतोष दीदी जी Uh, दीदी आज मैं फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ओम शांति ओम शांति uh, दीदी एक लाइन है कि निंदा जो हमारी करता है वही हमारा मित्र होता है ये कहावत सुनने में तो अच्छी लगती है लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम निंदा को फेस करते हैं क्रिटिसिज्म को फेस करते हैं तो वो हमें एक्सेप्ट नहीं होता है इतनी जल्दी कि वो हमारे बारे में क्यों ऐसा बोल रहा है हम तो ऐसे है ही नहीं uh, क्यों उसने मेरे बारे में ऐसी बातें की हैं क्यों ऐसा वो कह रहा है हम हमने तो उसके बारे में कभी कुछ कहा ही नहीं है तो और किसी भी काम के प्रति भी यदि हमें क्रिटिसिज्म मिलता है कि हमने तो अपना बेस्ट कर दिया लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्रि क्रि क्रिटिसाइज किया जा रहा है हमारी निंदा की जा रही है चार लोगों के सामने की जा रही है दस लोगों के सामने की जा जा रही है तो एक तरफ तो ये कहते हैं कि वही हमारा मित्र होता है एक तरफ जो है हमें दिल में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होती ये बात कि क्यों हमारी निंदा हो रही है जबकि हम ऐसे है ही नहीं तो पहला तो मेरा ये प्रश्न है कि ये एटीट्यूड किस तरीके से बदला जाए ये दृष्टिकोण निंदा के प्रति किस तरीके से बदला जाए देखो ऐसा है हर एक मनुष्य अपनी प्रशंसा चाहता है जी प्रशंसा सुन के प्रसन्न होता है और निंदा सुनता है तो दुखी होता है परंतु वास्तव में देखा जाए जो निंदा करता है वो एक बहुत बड़ा चिकित्सक है मनो चिकित्सक जैसा कोई बीमारी है हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो उस बीमारी का खास स्पेशलिस्ट होते कोई आंखों के स्पेशलिस्ट है कोई कानों के स्पेशलिस्ट है हम उसके पास जाते हैं समझो हमारी आंखें खराब हो गई तो हम उसके पास जाते वो औरों से ज्यादा फील लेता है जरूर डॉक्टरों से क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसमें जी। तो वो हमारा डिफेक्ट बताता है और वो 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 डिफेक्ट निकालने का पूरा कोशिश करता है और ठीक कर देता है हमारी नजर को तो हम ये तो नहीं कहेंगे उसने डिफेक्ट बताया माना हमारी कोई निंदा जी। निंदा नहीं किया उसने हमारी बीमारी को चेक किया चेक करके उसको ठीक किया तो हम उसके उसको थैंक्स बोलते उसको फीस देते हैं और ये जो निंदक होते हैं ये मानसिक बीमारियां हैं ये शारीरिक बीमारियां होती हैं जो यहाँ के डॉक्टर उसको ठीक करते हैं और ये जो भी हमारे अंदर कमियां होती है ये मानसिक बीमारियां होती हैं तो हमारे अंदर कौन सी कमी है लोग क्या करते हैं औरों की बुराइयों को देखते हैं और खुद की अच्छाइयों को देखते हैं जी। तो जिसके कारण क्या होता है अपनी बुराई हमको मालूम नहीं पड़ती है तो ये वो एक बहुत बड़ा डॉक्टर है ऐसा समझो उसको हमारी बीमारी दिखाई पड़ती है और वो हमारी बीमारी हमारे को नोट कराता है जी परंतु उसमें ये ताकत नहीं हो डायरेक्ट हमारे को बोले वो इधर उधर बोलता है बोलना नहीं चाहिए उसने पर वो इधर उधर बोलता है और हमारे को सुनाई पड़ता है कि ये हमारे लिए ऐसा ऐसा बोल रहा है जी। तो उस समय हमको हट नहीं होना चाहिए दुखी नहीं होना चाहिए परंतु हमें खुद को चेक करना चाहिए कि सचमुच हमारे अंदर ये बुराई है अगर बुराई है तो उसको निकालने की कोशिश करनी चाहिए अगर बुराई नहीं है तो आगे वो बुराई हमारे अंदर नहीं आवे उसके लिए सावधान रहना चाहिए जी 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 तो ये समझो हमारा दुश्मन नहीं है ये हमारा मित्र है इसीलिए हमारी बुराइयों को चेक करके और वो क्या करता है बताता है तो परिवर्तन के लिए जब तक हमारे को रियलाइज नहीं होगा तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते जी तो ये समझो रियलाइज कराने वाला एक हमारा शिक्षक हो गया जी। हमको ये पढ़ाई पढ़ाता है कि तुम्हारे अंदर ये ये कमी है कि हे प्राणी तो अपना मुखड़ा तो देख जी जी कि तेरे अंदर क्या कमी है और क्या विशेषताएं हैं सारा दिन अपनी विशेषताएं गुण गाते रहते हैं गुण गुण गाने चाहिए ईश्वर के पर खुद के गुण गाते रहते हैं मैंने ऐसा किया मैं सऊ ऐसा सऊ मैं सहु तो ये वो हमारा शिक्षक भी है हमारा मित्र भी है हमारा डॉक्टर भी है हमारे को आगे बढ़ाने वाला भी जी दीदी इसमें एक बात और भी आती है कि जैसे जो निंदक है उसको मित्र की भांति समझे और ये भी कहा जाता है कि जिस समय वो कुछ हमारे लिए बोल रहा है तो उसको पत्थर ना समझे उसको समझे कि वो फूल चढ़ा रहा है वो हम पर फूल बरसा रहा है अब ये तो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि कोई हम पर पत्थर मार रहा है और हम बोलें कि वो फूल चढ़ा रहा है तो अब बात ये आती है कि वो क्रिटिसिज्म को हम एप्रिसिएशन में एक प्रशंसा के दृष्टि से किस तरीके से स्वीकार करें कैसे करें इस चीज को देखो समझो कोई हमारी निंदा कर रहा है अभी उसको स्वीकार करना नहीं करना ये तो हमारे हाथ में है जी। आज कोई स्थूल वस्तु भी है समझो एक फूल ही है मैं आपको देती हूँ आपको अगर स्वीकार नहीं करना होगा तो आप नहीं करेगी ना तो किसके पास रहेगा मेरे पास ही रह जाएगा ना आप लेगी नहीं उसी प्रकार समझो कोई मेरी निंदा कर रहा है मेरे को स्वीकार नहीं है परंतु हम स्वीकार कर लेते हैं तो दुखी होते हैं स्वीकार नहीं करते हैं तो उससे कुछ हमारे को फर्क नहीं पड़ता है नहीं। योगी का ये लक्षण बताया जाता है निंदा स्तुति मान अपमान जय पराजय सब में समान।, समान होता है बिल्कुल तो इसीलिए हमारे को योग जो है ना तो हमारे को ये ताकत देता है कि निंदा होवे या स्तुति होवे तुम उसमें समान रहो तुम अपनी स्थिति को एक रस रखो और कोई ये नहीं तो क्या होता है प्रशंसा करता है तो हम खुश हो जाते हैं निंदा करता है तो हम नाराज हो जाते हैं जी। तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा विचार करो आज समझो मेरी किसी ने प्रशंसा किया तो मैं खुश हो गई निंदा किया तो मैं दुखी हो गई तो मैं परतंत्र हूं या स्वतंत्र हूं और कहा जाता है परतंत्रता में सुखना ही बिल्कुल तो आज मनुष्यों ने अपना जीवन जो है वो औरों के हाथों में सौंप दिया उनके कर्मों के द्वारा उनके बोल के द्वारा वो सुखी होते और दुखी होते हैं जी। तो मुझे खुद को करेक्शन देने की आवश्यकता है कि सामने वाला अगर बोलता है और मैं वो सुन करके दुखी होती हूँ तो मेरा सुख उसके हाथ में हो गए जी मैं तो पिंजरे का पंछी हो गया हा मेरे को तो बंद कर दिया उसने दुख के पिंजरे में जी तो ये हम जब अंतर्मुख होकर के खुद को चेक करते हैं तो हमें ये रियलाइज होता है कि सुख दुख ये भावनाएं हैं फीलिंग्स हैं इन फीलिंग्स से हमको परे रहना चाहिए सुख को भी स्वीकार नहीं करो दुख को भी स्वीकार नहीं करो वो मेरे हाथ में है मेरे को करना है या नहीं करना है मेरे पर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता जी 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 परंतु आज मनुष्य आत्माओं में वो ताकत नहीं है इसीलिए प्रशंसा से फूल जाते हैं और निंदा होती है तो मुरझा हैं जी 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 एक चीज और भी आती है कि ये बोला जाता है कि जो क्रिटिसाइजर आर द बेस्ट टीचर वो सबसे बड़े शिक्षक हैं तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो ऐसी क्या क्या बातें हमें सिखा जाते हैं जो उनको टीचर्स कहा गया है देखो अगर कोई सामने वाला निंदा करता है जब उसने निंदा किया और मैंने वो सुनते हुए भी उसका असर मेरे ऊपर नहीं हुआ और मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं किया तो उसने समझो सहन शक्ति का गुण मेरे को दे दिया गिफ्ट दे दिया क्योंकि मैंने सहन कर लिया तो मेरे अंदर तो वो सहन शक्ति आ गई मेरी तो शक्ति बढ़ गई दूसरा समझो कोई बात हुई और मैंने सुनते हुए भी नहीं सुना उसको निगलेट कर दिया छोड़ दिया तो मेरे अंदर यह समाने की ताकत आ गई तो व्यक्ति तो मेरे को मेरी उसने निंदा नहीं किया परंतु वो मेरे को दो गुणों का गिफ्ट दे के गया जो कितने बड़े जीवन में गुण है एक, को बढ़ा दिया। आ, पावर्स को बढ़ा दिया एक सहन शक्ति बढ़ गई मेरी एक और दूसरी समाने की शक्ति बढ़ गई तो इसीलिए वो तो उसको क्या कहेगी आप उस व्यक्ति को क्या कहेंगे टीचर हो गया जो टीचर हो गया ना उसने सिखाई ना मेरे को भी सिखाई सिखाई और, देया। और देया। उसके साथ साथ सिर्फ नहीं परंतु मेरे को दी उसने जी 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 कई बार दीदी क्या होता है कि घर में हमारा बहुत क्रिटिसिज्म होता है हमारे दोस्त भी क्रिटिसाइज कर जाते हैं किसी काम को लेकर के तो कई बार क्या होता है कि वो बोल बोल करके बोल बोल करके एक वैराग्य की स्थिति मन में आ जाती है कि क्या है जब देखो बोलते रहते हैं फिर उनका दिल करता है इससे अच्छा तो कुछ करो ही मत इससे अच्छा तो यहाँ से छोड़ के ही कहीं बाहर चले जाओ या फिर इस तरीके की भावनाएं आ जाती हैं तो आप क्या कहेंगे कि ये कहाँ तक उचित है ये उचित नहीं है ना जी। अगर वो बोलता है अच्छा बोलता है तो हमारे को अच्छा लगता है और अगर किसी ने बोला कि ये तुमने ठीक नहीं किया ये तुमने ठीक नहीं किया हमारा काम है उसको जितना हो सके उतना ठीक करे जितनी हमारे में ताकत है उतना हम ठीक कर दें नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे मैदान छोड़ के भागने की आवश्यकता नहीं होती है जी। क्योंकि जीवन ये एक संग्राम है तो ये तो युद्ध का मैदान है तो युद्ध के मैदान से शूरवीर तो भाग के नहीं जाते जी, जी, जी। और आज देखो बहन आज एक पूजनीय मूर्ति बनती है उसको कितने हथोड़ी के घाव छेनी के घाव सहन करने पड़ते बहुत सारे प्रहार तो फिर तो मेरे को अगर अच्छा बनना है मेरे को अगर श्रेष्ठ बनना है तो मेरे को ये घाव तो सहन करने पड़ेगा अगर मेरे को कुछ भी नहीं बनना है मैं जैसी हूँ वैसा ही मेरे को रहना है तो फिर ठीक है मैं नहीं सहन करू परंतु अगर मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मैं एक उच्च बनू व्यक्ति जी। जीवन मेरा श्रेष्ठ बने तो मेरे को ये सहर्ष सहन करना चाहिए कहा जाता है सिर दिया उखली में तो धक्कों की क्या बात है क्यालों से क्या डरना है जी, जी दो चार ज्यादा मुझसे लग जाएगा क्या फर्क पड़ने वाला क्योंकि कई बार क्या होता है हम फेडअप होकर बोल देते हैं कि हमारी भी तो एक लिमिट है ना हम एक लिमिट तक ही तो सुनेंगे हमने एक लिमिट तक तो सुन लिया अब हमसे नहीं सुना जाता अब बहुत हो चुका है तब हम अपनी ही क्या कहेंगे की अंदर से इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो ऐसे में फिर हम क्या करें कि कोई बार बार बोले ही जा रहा है बोले ही जा रहा है देखो हमारे मातेश्वरी जी से जी तो वो हमारे को बड़ी अच्छी शिक्षा देते थे वो कहते थे समझो कभी कभी क्या होता था साढ़े तीन सौ भाई बहने इकट्ठे रहते थे हरेक का स्वभाव अपना अपना संस्कार अपने अपने किसी न किसी का स्वभाव संस्कार तकराता था परंतु इतनी जो आध्यात्मिक शिक्षा है इतना योग सामने वाला कोई हरेक अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही उठाता है ना कहा जाता है सागर भरा पड़ा है पर घाघर भरने की तो एक की अपनी अपनी ताकत जी। तो हरेक नंबर वार अपना उठाता है एक व्यक्ति तो अपने अंदर अच्छी दिव्यता ला रहा है परंतु दूसरा जो सामने वाला है वो उसको डिस्टर्ब करता है जी और फिर वो एक बारी उसने एक बारी बोला उसने सुन लिया दूसरी बारी बोला तीसरी बारी बोला चौथी बारी बोला पांचवी बारी बोला फिर पांच बारी मैंने सुन लिया छठी बारी उसको मैंने फिर जवाब दे दिया हाँ हा? जवाब दे दिया और फिर मैंने जाके मातेश्वरी को बताया मम्मा हम प्यार से उनको मम्मा कहते थे मम्मा को जाके बताया देखो मम्मा ये मेरे को बहुत तंग कर रहे हैं हमने इसको इतनी बारी इसका सुन लिया और फिर मैंने छ बारी सुन लिया और फिर मैंने सातवीं बारी बोला तो मम्मा कहती थी तुमने जो छह बारी सुना ना उसके ऊपर तुमने सातवीं बारी बोल के पानी फेर दिया जी। तो फिर हम कहते थे ते 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 मम्मा फिर ऐसा कैसा मेरे कोई सहन करना है मेरे को ही मरना है मेरे को ही झुकना है सामने वाले को नहीं झुकना है तो मम्मा बताती थी क्योंकि तुम कोई पूजनीय बनना है इसीलिए तुमको कोई झुकना है तुमको ही मरना है सहनशीलता की कभी भी लिमिट नहीं होती है तो इसीलिए थोड़ा सा सहन कर लो बाकी इसके जो फल होते हैं वो मीठे होते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि सहन करेंगे तभी तो फल निकलेगा आ? तभी तो उसका मीठा फल मिलेगा लेकिन हम इस चीज को भूल जाते हैं हम सोचते हैं हम क्यों सहन करें और कई बार ये भी देखने में आता है कि मान लीजिए कोई हमें क्रिटिसाइज कर रहा है तो आमतौर तो पर हम ये भी कह देते हैं कि तुमने जरूर इसके साथ ऐसा कुछ किया है तुमने पिछले जन्मों में इसको बोला है जो आज ये तुम्हें सुना रहा है तो क्या ऐसा होता है होता है पहले हमने कुछ किया होगा ऐसा इस जन्म में भी किया होगा नहीं तो पहले किया होगा अभी नहीं किया है तो तभी तो सुना रहा है वो तो कर्जा चुपतु हो रहा है हमारा जी जी तो इसीलिए कुछ निंदा या क्रिटिसिज्म जो भी कुछ करते हैं ये।, ये भी एक हिसाब किताब हमारे पुराने चुपतु होते हैं जैसा ईश्वरी याद से हमारा खाता चुप्त होता है शारीरिक भोगना मानसिक भोगना इन जो है बीमारियां इनसे चुप्त होता है वैसा ये निंदा से भी हमारा हिसाब किताब चुप्त होता है परंतु तभी तो चुप्त होगा सामने वाला मेरी निंदा करे पर मैं उसकी निंदा नहीं करूँ तो चुप्त होगा नहीं जी। जी। तो समझो आप भी बोल रहे हैं मेरे लिए और मैंने भी आपकी निंदा करना चालू कर दिया तो मेरा हिसाब किताब चुक नहीं होगा मेरा और ही हिसाब किताब बनेगा जी 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 तो इसका मतलब ये है कि ऐसे में हमें यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा कार्मिक अकाउंट क्लियर हो रहा है और दूसरी चीज़ मुझे इसमें सहन शक्ति धारण करनी भी और आगे भी करते रहना है तो दीदी एक चीज़ इसमें और ये भी आ जाती है कि जैसे आपने बताया कि परमात्मा की याद जो है उससे भी हम ये चीज़ न्यूट्रलाइज कर सकते हैं तो कई बार क्या होता है कि आ, कोई हमें बार 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 आ, बोले जा रहा है तो हम इत, उसकी बात को इतना ज्यादा दिल पे ले जाते हैं इतना ज्यादा हर्ट हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं और एक एक बारी आपने ये भी बताया कि समान होना चाहिए सुख दुख और इन चीजों में समान होना चाहिए ये तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि समानता की सिचुएशन फिर कैसे लाई जाए कि जहां इतना ज्यादा हमें अंदर हर्ट होने लग गया है उसके लिए तो आत्मिक बल चाहिए ना मैम जी वास्तव में देखा जाए तो ये जो निंदक है ना ये हमको परमात्मा के समान बनाना चाहता है आज देखो परमात्मा दुख हरता सुख करता है वो सभी के दुखों को दूर करता है परंतु थोड़ा भी दुख होता है तो लोग परमात्मा को कितनी गाली देते हैं तू बड़ा निर्दयी है तू मेरा बच्चा ले गया तू मेरा फलाना ले गया तू मेरा देवाला न... अभी उसने थोड़े देवाला निकाला वो थोड़े ही तुम्हारा बच्चा ले गया परंतु उसके लिए कितना बोलते हैं परमात्मा के लिए कितना बोलते हैं पर वो जैसा है वैसा ही रहता है वो सदैव सभी के दुख दूर ही करता है वो कभी किसी को दुख नहीं देता है। जी। तो ये भी जब हम उसके बच्चे हैं तो हमें भी उसके समान बनना चाहिए किसी को कुछ भी बोलने दो उसमें हमारा क्या जाता है जी 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 आप मारने वाले का हाथ पकड़ सकते बोलने वाले का मुख नहीं पकड़ सकते जी जी जी, जी तो उसका इतना विचार करने की जरूरत नहीं है हमारे जी तो ये तो अच्छा हमारा मित्र हो गया हमारे को भी कहता है तुम परमात्मा के समान बन जाओ कैसी भी परिस्थिति हो गए तुम अपनी स्थिति को इतना पावरफुल बना दो जी, जी, जो तुम्हारे ऊपर कुछ असर ही नहीं हो वे, किसी बात ये तो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वो हमें भगवान के समान बनने की प्रेरणा देता प्रेणा है क्योंकि तो बिल्कुल तो कितना बड़ा कितना बड़ा मित्र हुआ हमारा बिल्कुल हा? बिल्कुल एक चीज मुझे और भी ध्यान में आ रही है कि क्रिटिसाइजर्स के लिए ये बोला जाता है कि जो आप पत्थर फेंकते हैं तो आप उन पत्थरों पे चलने का रास्ता बना लीजिए और आगे बढ़ जाइए ये क्या ये कैसे हो सकता है रास्ता बना लो ना जी तो आप पत्थरों को दूर करने की अगर कोशिश करते रहेंगे तो इतने इतने बड़े पत्थर वो क्या करेंगे दूर होने में तो तुम्हारा सारा जीवन बीते जी जाएगा बिल्कुल इससे थोड़ा सा रास्ता बदली करके दूसरे रास्ते से चलना चालू कर डालो ना जाना होता है वो ऐसा ही करता है तो इसमें हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म में कन्वर्ट करने की शायद हमारे में पावर होनी चाहिए हर चीज को हमें पॉजिटिव एंगल से उस चीज को देखना चाहिए परमात्मा के समान बनना मना ये है नेगेटिव को पॉजिटिव करना जी 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 पर जो आ, क्या करते हैं जो हमारे ऊपर उपकार नहीं करते हैं हमें उनके ऊपर उपकार करना है अपकार करने वालों के ऊपर उपकार करना है उपकार करने वालों के ऊपर तो कोई भी उपकार करता है परंतु अपकार करने वालों के ऊपर उपकार करना यह बहुत बड़ी बात है। जी, जी 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 वो हमारी निंदा करे मैं उसकी महमा जी। अभी हमारे में अभी वो ताकत चाहिए जो हम निंदक को भी बदली कर डाले पर निंदक को आप बदली कैसा करेंगे आग से कभी आग नहीं बुझती है आग बुझाने के लिए पानी चाहिए तो उसी प्रकार अगर हमें निंदक को बदलना है तो क्षमा की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए स्नेह हमारे अंदर होनी चाहिए शीतलता हमारे अंदर होनी चाहिए ये आप शीतलता का जल उसके ऊपर डालेंगे स्नेह का जल डालेंगे उसको क्षमा कर डालेंगे दिल से क्षमा कर देंगे माफ कर देंगे वो सामने वाला व्यक्ति आप ही बदली हो जाएगा जी तो हमारे में ये ताकत होनी चाहिए उसके लिए थोड़ा धीरज तो रखना पड़ेगा जरूर निंदा को माना सुधारा जा सकता है जा सकता है लेकिन उसके लिए परंतु तो ऐसा नहीं हम भी उसके साथ निंदा करना चालू करते जी 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 जी, जी। अक्सर करके हम ऐसा ही करते हैं ऐसे ही करते हैं है। है। एक चीज और यहाँ पर ये भी आती है कि जैसे मान लीजिए आपका वर्क प्लेस है आप कहीं प्रोफेशनल लाइफ में कोई काम कर रहे हैं व्यापार कर रहे हैं तो ऐसे में भी कई बार हमें बॉस की बहुत ज्यादा सुननी पड़ती है वो क्रिटिसाइज करता है निंदा करता है ये कौन सा काम किया है और उनको अंदर कहीं ना कहीं लोगों को ये डर रहता है कि ईर्ष्या की भावना होती है कई उस वजह से भी निंदा करते हैं कि मैं इसके बारे में नेगेटिविटी फैला दू क्योंकि ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए ईर्ष्या की भावना से भी कई लोग निंदा करते हैं और हमें पता होता है कि ये जो व्यक्ति है मुझसे जालस करता है इस वजह से ये मेरी नेगेटिविटी मेरे बारे में गलत गलत बातें फैला रहा है ऐसे में फिर हम क्या करें अभी वो ईर्ष्या करता है जी। हम तो उससे ईर्ष्या नहीं कर सकते जी हम तो उसके ऊपर प्रेम ही बरसा सकते हैं हम वो निगेटिव करें हम पॉजिटिव करते रहे और क्या है जी। वो भले कुछ भी फैलाता रहे कि आपको आके बोले उसने ऐसा बोला ऐसा बोला तो बोले ठीक है कोई बात जी कोई बात नहीं मतलब हमें हल्का रहना एक चाहिए एकदम हल्का रहना चाहिए जी 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 मालूम है वो ऐसा करता है और आपको रहना भी वहीं है जी आपको नौकरी भी नहीं छोड़नी है उधर ही करना है क्योंकि आपको उधर पैसा मिलता है अच्छा पगार मिलता है तो फिर कुछ तो आपको सहन करना ही पड़ेगा ना बहन जी जी दीदी एक बात हमने आमतौर पे सुनी है कि जो निंदक होता है वो हमें पाप कर्मों से बचा देता है बुरे काम करने से बचा देता है तो ये कैसे होता है देखो अगर हमारे से कोई गलती होती है वो कोई उल्टा काम होना होता है तो वो अगर हमारे लिए इधर उधर बोलेगा निंदा करेगा हमारी कि ये ऐसा पाप करते ये करते वो करते तो हमारा खुद के ऊपर जाएगा ना। जी हमारा वो ध्यान खींचवाता है हम खराब काम नहीं करें इसके लिए वो हमारे हमारे को ध्यान पर देता है वो पहले से कर पहले से, से पहले से हमारे को बता देता है तो हम सावधान हो जाते हैं तो सावधान होने के कारण हम उल्टा काम नहीं करेंगे ना जी 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 अपने ऊपर अटेंशन खींचवा देता है हमारा ये बहुत बड़ा वो काम करता है एक तरह से हमें चेतावनी दे देता है चेतावनी देता है नहीं तो कभी कभी हम भी उल्टा काम कर देते हैं समझो किसी, किसी ने बोला किसने ये किया कोई कोई हाथ भी उठा देते हैं किसी के ऊपर मार देते हैं किसी को तो इसीलिए वो समझो बोलना चालू कर दिया देखा उसने गुस्सा किया तो इसने भी गुस्सा कर दिया इसने भी उसको मार दिया मारा नहीं होगा परंतु ऐसा ही बोलता रहेगा कि इसने भी मार दिया उसको तो अटेंशन रहेगा अरे हमारे को थोड़े करना है ये अगर करता है इसने गुस्सा किया तो मुझे नहीं करने का है जी, जी, इसने जी, मेरे से उल्टा बर्ताव किया तो मुझे नहीं करने का है नहीं करते हुए भी वो मेरे लिए बोल रहा है तो करेगा तो फिर तो कितना बोलेगा हाँ जी, जी, जी तो अटेंशन खिंचवाता है ना पाप से बचा देता है आज आपने इतनी सारी बातें बताई हैं कि हम नेगेटिव क्रिटिसिज्म को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे निंदक के प्रति भी हमारी जो भावनाएं हैं वो क्षमा की भावना होनी चाहिए स्नेह की भावना होनी चाहिए हालांकि मुझे लगता है इस चीज़ में प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए एकदम से ये नहीं हो पाता है लेकिन रियली में ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि हम बहुत सारी नेगेटिविटी से अपने आप को बचा लेते हैं दीदी आपने इतनी आज गहन चिंतन वाली बातें की हैं और अंदर तक ये बातें उतर गई हैं क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है जो लगभग सभी व्यक्ति क्रिटिसिज्म को अवश्य अपनी लाइफ में फेस करते ही करते हैं लेकिन हमें दुखी नहीं होना चाहिए उसी चीज को हमें एक अपनी उन्नति का जरिया बना लेना चाहिए दीदी आपका इस डिस्कशन करने के लिए मैं एक बार फिर से बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ ओम शांति ओम शांति तो दर्शकों आज की इस पूरी डिस्कशन से हमने ये सीखा है कि हमें निंदक के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड को रखना कितना आवश्यक है क्योंकि यदि हम पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं रखेंगे हम खुद ही डिस्टर्ब होंगे उदास होंगे और परेशान होंगे और यदि हम उसको एक पॉजिटिव एंगल से देखें तो वो निंदक ही है जो हमारे डिफेक्ट्स बताता है और हमें परफेक्ट बनाता है वो निंदक ही है जो हमें बुरे कर्म करने से बचा लेता है और दूसरी चीज कि निंदक जो है हमारी इंटरनल पावर्स को बहुत बूस्टअप कर देता है चाहे वो सहन शक्ति हो चाहे वो समाने की शक्ति हो तो हर तरीके से देखा जाए इसका एडवांटेज ही एडवांटेज है बट द थिंग इज कि हम इन सिचुएशंस को ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करना भी सीखें। तो दर्शकों ये एपिसोड आज हम यही खत्म करते हैं अगले एपिसोड में हम फिर से रूबरू होंगे आप सभी के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाजत नमस्कार ओम शांति